जो मेरे को धमकी दिलवा रहा है ऐसी ऐसी, ओके वीडियो वायरल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे तेरे को वीडियो वायरल करना है, तेरे को चाहिए तो मैं पूरे लंबी वीडियो सेंड करूं तेरे को, तू वायरल कर। और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले मैं सुप्रिया ताई जो हैं और रूपाली चाकणकर जो हैं तो उनको मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ उनके शब्द। रूपाली हमारी सुप्रिया ताई जी जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस में बोला था कि महाराष्ट्र में महिलाओं पे यदि किसी ने अन्याय किया तो उसके मैं हाथ काट दूंगी। और रूपाली चाकणकर ताई जो हैं वो जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी तब उन्होंने मीडिया में बोला था कि पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि धनंजय मुंडे और ऐसे सब जो लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगी क्या, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगी। तो मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ उनको पहले, और इसके बाद में जो जो हो रहा है मैं वो बता देती हूँ कि मैं सुप्रिया ताई को भी दो बार अपनी कंप्लेंट भेज चुकी हूँ, शरद पवार जी को भी भेज चुकी हूँ, और ये जो रूपाली चाकणकर जी हैं महिला आयोग के अध्यक्ष उनको तो मैं दो बार अपनी कंप्लेंट दे चुकी हूँ, पर उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की है। तो चित्रा सुप्रिया ताई आप धनंजय मुंडे के हाथ मत काटिए, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतना बोलती हूँ ऐसे घनेड़े लोगों को आप अपने पक्ष में से निकाल दीजिए, क्योंकि एनसीपी सिर्फ एक पक्ष नहीं है, शरद पवार जी की तपस्या है जिसमें धनंजय मुंडे जैसे लोग रहेंगे तो धनंजय मुंडे का जो नाम बदनाम है उसके कारण आपके पक्ष का भी नाम बदनाम होगा। तो आप सिर्फ हाथ मत काटिए, सिर्फ मेरा इतना कहना है कि आप धनंजय मुंडे जैसे लोगों को निकाल दीजिए। और रूपाली चाकणकर जी, आपने जो अभी तक मेरी दो कंप्लेंटों पे आपके कान पे जूं तक नहीं रही है, तो आप क्या राजकरण कर रही हैं क्या? जो महिला आयोग है ये एक न्यायिक संस्था का पद है, न्यायिक संस्था है, वो कोई आपकी राजकरण एनसीपी पार्टी नहीं है जिसमें आप राजकरण कर रही हैं धनंजय मुंडे को बचाने का, और किसी के घर का नहीं है वो, लोगों ने आपको विश्वास से बिठाया है तो आप उसका विश्वास कर रखिए। आज ये जो महिला बैठी है मेरे साथ इनके ऊपर भी महिला आयोग ने अत्याचार किया है जिसके कारण ये मेरा लाइव देख के आ गई मेरे पास, और आज भी मैं रूपाली चाकणकर जी को यही बोलूंगी आप यदि नहीं कर सकती तो आप महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती तो आपको वो पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, आप छोड़ दीजिए। और दूसरी बात कि मैं खुद दिल्ली जाके राष्ट्रीय महिला आयोग में रूपाली चाकणकर की मैं कंप्लेंट करके आई हूँ कि उनको इस पद पे से हटाया जाए, और नहीं हटाया गया तो मैं उसके लिए कानूनन पद्धति से भी जाऊंगी, क्योंकि महिला आयोग एक महिलाओं के लिए बना है जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं, और उसके बावजूद भी यदि आप उस पर एक्शन नहीं लेती हैं तो ये बहुत गलत है। और धनंजय मुंडे को आप बचाने का काम कर रही हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले मैंने मेरे से अत्याचार जितने हो रहे वो सारी मीडिया जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। धनंजय मुंडे ने मेरी गाड़ी में पूरे 150 पुलिस वाले और 15,000 पब्लिक के सामने पल्ली में दो मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखवाए, पर मीडिया का भगवान भला करे कि मीडिया है तो हम जैसे लोग भी कुछ तो कर पाते हैं लाइफ में। तो आज जो मीडिया ने दिखाया तो मेरे पे वो वेपन एक्ट का केस नहीं लगा और मेरे पे एट्रोसिटी और 360 लगा। उसके बाद उसका तब भी उसका खत्म नहीं हुआ अत्याचार, तो मेरे बच्चे जो उसने 6 महीने मेरे से दूर रखे, रिवॉल्वर मेरी गाड़ी में डाली, बच्चे मेरे से दूर रखे, उसके बाद झूठे झूठे आज मुझे 6 केसेस में फंसा रखा हुआ है जिसमें मेरा नाम करुणा शर्मा है, जबकि आप यकीन मानेंगे आज तक मेरा नाम का एक प्रूफ नहीं है मेरे पास करुणा शर्मा का। अरे धनंजय मुंडे इतनी ही देखो तकलीफ थी कि मैं करुणा धनंजय मुंडे हूँ तो 25 साल में तू तो बैठा रहा, 25 साल में तू बोलता ना कि मैं करुणा शर्मा हूँ, और आज तू मेरे पे इतने झूठे झूठे केस कर रहा है, तो तेरी ताकत है तो मेरा नाम ना के बता पीछे से, तेरी ताकत है झूठे केस करने की, तू राष्ट्रवादी का बड़ा नेता है, ये है वो है, तो तू तेरी ताकत इस पे लगा ना, मेरा नाम ना के बता जिससे तुझे सबसे ज्यादा रुचि लग रही है। और दूसरी बात रिवॉल्वर रखी, बच्चों को दूर रखा, मेरे पे झूठे केस डाले, उसके बाद मेरे ऊपर 2 बार हमले करवाए, मेरे पास ये सारे सर्टिफिकेट है मेरे सरकारी हॉस्पिटल के, मेरे ऊपर हमले करवाए, उसके बावजूद भी धनंजय मुंडे को शांति नहीं मिली, उसके अत्याचार कम नहीं हुए। अभी मेरे को 5 मई को एक फोन आया कि ताई आपके ऐसे आर्टिफिशियल
वीडियो बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि मीडिया पूरे महाराष्ट्र की मुझे जानती है, किसी पत्रकार ने मुझे कॉल करा तो मैंने वो कंप्लेंट भी रूपाली चाकणकर को दी कि ऐसे ऐसे मेरे घर में वीडियो बनाने का काम आर्टिफिशियल चालू है, तो आप इस पर कंप्लेंट कीजिए। मैंने DIG को भी दी, SP को दी, सबको दी, तब कोई कुछ करता नहीं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है। तो अभी धनंजय मुंडे को मैं एक बात बोलती हूँ कि ठीक है धनंजय मुंडे, यदि तू बोलता है कि मेरे किसी आदमी से शारीरिक संबंध है और तू वीडियो वायरल करने की मेरे को धमकी देता है, तो तू धमकी मत दे मेरे को। तू मेरे बच्चे 6 महीने तूने दूर रखे तो मुझे तू नहीं रोक पाया, एक माँ से तूने उसकी आत्मा दूर रखी तो तू मुझे नहीं रोक पाया, तो तू ये घंटे बने करके मेरे को नहीं रोक सकता, इतनी बात तू ध्यान रख। और मैं आज अपने खुद के पैसों से मैं बोलती हूँ जो धनंजय मुंडे है, धनंजय मुंडे का मैं आज फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ, और मैं अपनी सारे जेवर बेच के 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 50 लाख लगे, जितना पैसा लगता है मैं भीख मांगूंगी लोगों से। पर मैं बोलती हूँ ये मीडिया से मेरे आदमी की बिनती है, एकनाथ शिंदे जी जो अभी न्याय के देवता है, इतना लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं वो, इतने इतने में आभार पत्र देख रही हूँ उनके, तो मैं एकनाथ शिंदे जी से और जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जब मेरे गाड़ी में रिवॉल्वर रखी थी तो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोला था कि इसकी CBI चौकसी होना चाहिए, मैंने CBI में भी कंप्लेंट दी है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच पड़ता नहीं। मैं तो ये नहीं बोल रही धनंजय मुंडे की करो, मेरी जांच पड़ताल करो, पर वो भी कोई नहीं करता, क्योंकि मालूम है यदि मेरी जांच पड़ताल भी करी तो उसमें कल्प्रिट धनंजय मुंडे ही निकलेगा। और अभी भी मैंने धनंजय मुंडे के ऊपर जो मैंने झूठे वीडियो बना के और वायरल करने की मेरे को धमकी दे रहा है कि तू शांत रहे नहीं तो मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगा, तू शांत रहे नहीं तो मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगा। और भी जब CM साहब के पास भी गई थी तो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी मिर्ची लगी कि वो मेरी जो मीडिया न्यूज चली उसमें हर कमेंट बॉक्स में उन्होंने वो झूठे झूठे वीडियो डाले, जिसमें कि मैं हूँ ही नहीं, पर ये बोल के डाले कि ये करुणा मुंडे के वीडियो है। तो ठीक है धनंजय मुंडे, मैं बोलती हूँ मेरे DG, SP, CM साहब, DCM साहब, महिला आयोग सब जगह कंप्लेंट डाली है, यदि ये लोग नहीं करते तो मैं अपना पैसा लगा के पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक में, आजाद मैदान में और पूरी मीडिया के सामने, CM साहब के सामने अपना नार्को टेस्ट और धनंजय मुंडे का नार्को टेस्ट स्व खर्चे से मुझे जेवर भी बेचना पड़ेगा तो बेचूंगी, और स्व खर्चे से करवाने के लिए तैयार हूँ मैं। और उसमें मेरा इससे क्या चक्कर है, यहाँ नहीं है, उसके बाद वो झूठे वीडियो वायरल करे जा रहे हैं मेरे है कि नहीं है वो मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मैं जितनी लड़कियों की लिस्ट देती हूँ और उसके जितने बच्चों की मैं लिस्ट देती हूँ, वो नार्को टेस्ट धनंजय मुंडे का हो कि किस किस जिन जिन लड़कियों के मैं नाम देती हूँ उनके साथ धनंजय मुंडे का क्या संबंध है, और उनके जितने बच्चे हैं धनंजय मुंडे उनका कौन है, ये धनंजय मुंडे का नार्को टेस्ट हो और मेरा भी हो। और सिर्फ इसी बात का क्यों, धनंजय मुंडे मुझे लोगों से बुलवा रहा है फेसबुक पे, कभी बोलता है बार डांसर है, कभी बोलता है वैश्या है, कभी बोलता है रंडी है, एक बार डिसाइड कर ले मैं हूँ क्या, बार 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 ना। अभी देखिए आप ऐसे गंदे गंदे मुझे पहुंचाते हैं उसके लोग, इसके अलावा देखिए आप किसी किसी गंदे गंदे गालियां, मतलब कोई एक फेशियल को भी ऐसा नहीं लगता होगा। और मैं धनंजय मुंडे की 25 साल से पत्नी हूँ, मैंने अपना सब कुछ बेच के धनंजय मुंडे को धनंजय मुंडे बनाया, सब कुछ बेच के मेरे पास सारे पुरावे हर चीज के, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सब चीज मेरे पास पेपर में है। और आप देखिए कैसे गंदे गंदे कमेंट्स डालते हैं फेसबुक पे ही डालते हैं धनंजय मुंडे, और ये मेरे को ऐसे मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे डालते हैं। इसके अलावा ये ऐसे सब मेरे को लिखते हैं गंदे गंदे शब्द। उसके अलावा ये सब देखिए मेरे सर पे ब्लैकमेलर लिखकर रखा है धनंजय मुंडे ने, तो यदि मैं ब्लैकमेलर होती तो ये सब चीजें जो है ये नार्को टेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ स्व खर्चे पे, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, पर मैं स्व खर्चे पे इसलिए करवाने को तैयार हूँ क्योंकि यदि मैं गलत नहीं हूँ, यदि मैंने
मैंने जो तेरा एक रुपया भी खाया हो और ये भी उसको खिलाया हो। 98 में मेरे से शादी करके 2000 सन में मेरे पास आया और मेरे को बोलता मेरे दिल में छेद है और मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है। मैं मेरे बच्चे की लड़का 15 बच्चे गिरा के भी धनंजय मुंडे को लड़का नहीं हुआ। मैं अपने एक लौते लड़के की कसम खाती हूँ मेरे बेटे की, मेरे शिव बाबा की कसम खा के कहती हूँ मेरा नाक कटे। मैं वही बोली हूँ, सिर्फ इसी बात पर ये वीडियो पूछ रही है, सिर्फ इसी बात पे नहीं मेरा नाक कटे हो, सब बातों पे भी मेरा नाक कटे होना चाहिए कि यदि मैंने धनंजय मुंडे का एक रुपया भी कभी खाया हो तो। मैं अभी जो काम करती थी मेरी शायद कुछ में 60,000 रुपये महीने की रेंटल शॉप थी कपड़े की, मेरा फाइनेंस का काम था, उसके बाद मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। हाँ धनंजय मुंडे मेरी मदद जरूर करता था पर उसका ही पैसा उसको डबल करके मैं देती थी क्योंकि वो
कानून जुर्म है, पति पत्नी का भी एक वीडियो हो तो पति पत्नी एक दूसरे का वीडियो वायरल नहीं कर सकते बाय लॉ, उसमें 376 धारा लगती है। तो मैंने डीजी साहब से सीएम साहब से यही मांगनी की है कि धनंजय मुंडे पे जो मेरे को धमकी दिलवा रहा है ऐसी ऐसी कि वीडियो वायरल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अरे देखो वीडियो वायरल करना है देखो चाहिए तो मैं पूरे नंबर वीडियो देती हूँ, देखो तू वायरल कर बोल मेरे को बस तू। मैं अभी बहुत काली माता का मेरा रूप है, रुद्र रूप, अभी मैं पूरी काली हो चुकी हूँ और काली मतलब नंगी एकदम एकदम नंगी, काली जी का फोटो देखा है ना आप लोगों ने तो वैसे ही हूँ मैं। मैम ये जो प्रोटेस्ट है आप मंत्रालय के सामने करने वाले, क्या ये रूपाली चाकन के विरोध में होगा या दोनों रूपाली चाकन और धनंजय मुंडे उन दोनों के उसमें होगा ये अंचल में, और जब तक मैं मनाने का हूँ जब तक मैं पाली की होगी जब तक रूपाली चाकन का तो नहीं हटाया जाता और जब तक धनंजय मुंडे पे 376 का गुना दाखिल नहीं किया जाता। अभी आप एक बात बताइए मेरे ऊपर पिछले हफ्ते 15 दिन पहले बीड़ में 4 NC हुई, 4 NC क्या बोलिए कि मेरे धनंजय मुंडे के लोगों को गाली लगी और जान से मारने की धमकी दी। अच्छा हमें इतनी बड़ी हो गई कि मैं धनंजय मुंडे के गांव में जाके उसके लोगों को गाली बकती हूँ और जान से मारने की धमकी देती हूँ, राइट। अब इसके अलावा वो NC यदि आप देखें कानून को किस तरीके से खेला जा रहा है, पुलिस वालों का किस तरीके से दुरुपयोग करा जाता है वो देखिए आप। 4 NC जो है उसमें मेरा नाम क्या लिखा है, करुणा शर्मा, और वो बंदे ने जो NC दिखाई है उसमें कंप्लेंट क्या दी है कि करुणा शर्मा के फेसबुक अकाउंट पे जाके मैंने करुणा शर्मा के उसको कमेंट किया और उसके बाद उसको कॉल किया। अभी आप यकीन मानेंगे मेरा जो फेसबुक अकाउंट है करुणा शर्मा के नाम से है ही, करुणा धनंजय मुंडे के नाम से। तो ये NC किसके ऊपर है, कौन है करुणा शर्मा? मैं करुणा शर्मा की 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, धनंजय मुंडे क्या उसकी लड़की अगर शादी करेगी तो भी क्या उसका नाम लगाएगा क्या उनकी लड़कियों के पीछे? सो किसी की बात है ना, आज मैं इज्जत से आज मैं दूसरी औरतों की तरह कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, अपने दम पे लड़ रही हूँ, मेरे पति को खुशी होना चाहिए इस बात की, तो खुशी तो दूर की बात, मेरा साथ देना तो दूर की बात, ऐसे गलत गलत एलिगेशन मेरे पे लगा रहा है और वो ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है ये लोग कमजोर दिमाग के हैं। मेरे साथ पीने में कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको मालूम है ये कमजोर दिमाग की औरत है, इसकी माँ ने जैसे जहर खाता इसकी माँ को ऐसे परेशान कर रहा था, इसकी माँ ने जैसे जहर खाया वैसे ये भी खा सकती है, पर धनंजय मुंडे इतनी बात कह रहा मैं जहर नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, क्योंकि खा भी लेती मैं, पर मैं इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने देखा है मेरी माँ ने जहर खाया तेरे अत्याचार से तंग आके, तो भी तूने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, अपनी हरकतें तूने नहीं छोड़ी, इसलिए मैं क्या सोच के जहर खाऊंगी, ठीक है मुझे मरना है तो मैं आप जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ, तू मुझे मेरा मर्डर करवाएगा ना, बोलता है मर्डर करवाएगा मेरा, करवाना मर्डर, जिंदा जलवा तुझे, कहाँ जलवा था मेरे को जलवा तू, क्या करना है कर ले, मैं तो जिंदा लाश की तरह हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं कोई राजकर्मी हूँ, और बाकी ना ही मैं कोई राजकर्मी औरत हूँ, ये तो मेरे को गलती से धकेल दिया गया क्योंकि मैं एक ही बात जानती हूँ लोहा लोहे को काटता है, और कहने तो मुझे तुझे जितने गंदे एग्जाम लगाना लगा दे, मैं उस भारत की मिट्टी में पली बड़ी हूँ जहाँ पे 22 बार बलात्कार हुई फूलन देवी को भी हमारे भारत की जनता ने लोकसभा में बिठा दिया था, तो तू कुछ भी कर, तू जितना नीचे गिरेगा लोग उतना ही जनता मेरे पे बन जाएगी, बस मैं इतना ही बोलूंगी, जय हिंद जय भारत। मेरे पास भी वो वीडियो आए नहीं है अभी तक, सिर्फ धमकी दी जाती मुझे, तो वीडियो आपने दिखाया व्हाट्सएप पे जो आए थे ये तो दूसरे किसी के ऐसे उसके लोग भेजते मुझे, ये किसका है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है ना, मैं नहीं आती ना यहाँ पे, चुप बैठ जा रही हूँ धनंजय मुंडे के डर के कारण मैं, और मैं जब भी करूँगी एक बात और बोल देती हूँ, मैं धनंजय मुंडे दो से औरतों से शादी करके इतनी कम उम्र से 20 साल का था जब मुझे मिला, मैं 16 साल की थी, तो धनंजय मुंडे तू यदि दो औरतों से शादी करके 6-6 बच्चे पैदा करके रोज तेरे को नई लड़कियां लग सकती है, तो मेरे को तूने अभी 2 साल से अपन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मेरे पति का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं आज बाय लॉ दूसरी शादी कर सकती हूँ, किसी आदमी के साथ लिविंग रिलेशन में रहती हूँ, रह सकती हूँ, मैं कोई सीता जी नहीं हूँ जो तू मेरे पे लांछन लगा
गलती में समा जाऊंगी। मेरे को सीता बनने का शौक नहीं है, मेरे को सती सावित्री बनने का शौक नहीं है, मैं काली हूँ, काली मतलब नंगी एकदम। तो इतनी बार क्या था, मैं जिस दिन करूंगी ना तुझे निमंत्रण दूंगी कि तू मेरी शादी में आ जा, या मैं लिविंग रिलेशन में किसी के साथ रह रही हूँ, अभी शुरुआत कर रही हूँ, तो तू आ जा, मैं इस होटल में जा रही हूँ, तू आ जा, मैं बकायदा निमंत्रण दूंगी और तू आ जाना, ये मैं बोलती हूँ। सिंस लाइक हाउ मेनी इयर्स दिस थिंग इज हैपनिंग? सिंस वन ईयर। जी हाँ, पहले पहले देखिए जब धनंजय कुंडल को ऐसा लगा कि मैं पैसों से मान जाऊंगी, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो पहले उसने मेरे पे केस करा कि मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में, अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं। आप देख सकते हैं मेरा ये गेप होगा। अभी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं उस पर ही लेने वाली हूँ। तो हाउ मेनी डू यू हैव स्टेड टुगेदर विद हिम एंड नाउ 96 सिंस 96 वी आर टुगेदर सिंस 1996 वी आर टुगेदर आपको न्याय नहीं किया, तो आपका कदम जो है नंदलाल में आंदोलन करने जा रहे हो, कब करेंगे आंदोलन उसके बारे में? ये मैं देखती हूँ, अभी मैं शिंदे साहब से भी बस मिलने का कोशिश कर रही हूँ कि ये लोगों को फोन लगा दी उनको छुटा दे, पर अभी मैं उनसे कोशिश कर रही हूँ उनके बनने पे जाके मैं मिली, क्योंकि शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को उनके लिए कुछ इस पर करना है। ये प्रक्रिया जो परिवर्तन हो सके, और हो सकता है कि धनंजय मुंडे मेरा मर्डर भी करवा कर
मौका दे तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि ठीक है मेरा मैटर हो जाए तो हो जाए, पर मैंने जो पक्ष खोला है उसमें एकदम ईमानदार लोग, अच्छे लोग, जैसे कृष्ण के काल में जो थे तो उनको अपनी सत्य का कथन करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे मेरे पास मेरे पक्ष में जो लोग हैं वो गरीब लोगों के लिए मैंने पक्ष निकाला है, एक अच्छे लोगों को कार्यकर्ता को मुझे नेता बनाना है जिनको आज तक सिर्फ शोषण शोषण किया है, नेपोटिज्म, वंशवाद, फिल्म इंडस्ट्री में और एक राजकरण में, दोनों जगह वंशवाद भयंकर है और दोनों जगह का वंशवाद भी खत्म कर देगा। ये तो देखिए आप लोग पूछिए, सीएम साहब से पूछिए, आप लोगों का काम ये, मेरा नहीं है, मेरा काम ये है। और सुनिए सुनिए अभी देखिए मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, उन्हें को कौन सपोर्ट कर रहा है, शरद पवार जी, सुप्रिया दाई, और कौन करेगा आप बताइए ना, मेरे पक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति होता तो मैं तो ना निष्पक्ष होके उसको अपनी जगह निकाल देती। और आप देखिए एक औरत को छोड़ना एक अलग बात होती है, चलो ठीक है आपका मेरा नहीं जम रहा आपने मुझे छोड़ दिया, पर ये कौन सी बात है कि तू उठा के दे मेरे को एरवाड़ा जेल में डाल रहा है, उठा के दे तू मुझे कोई से भी जेल में डाल रहा है, इसीलिए तो 165 आमदार की सत्ता गिर गई इनकी, मेरे बदुआ से इसकी सत्ता गिर गई, 30 साल रगड़ रगड़ के जो पहली बार मंत्री बना था वो भी गया, और अब कभी जिंदगी में जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता, जब तक गंजे गुंडे पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये राष्ट्रवादी शिवसेना और ये तीनों का ये तो भूल ही जाएगी इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि एक औरत की हाय जो रहती है ना, एक औरत की कलम जो रहती है वो बहुत भयंकर होती है। आज मेरे को सिर्फ तेरा पति छोड़ देता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को जेल में डालना, मेरे को झूठे केसेस करना, मेरे पे 6 केसेस हैं आज, मेरे खानदान में कभी कोई पुलिस स्टेशन नहीं चढ़ा, पुलिस स्टेशन तो दूर की बात, हम लोग लहसुन प्याज खाने को भी पाप समझते हैं क्योंकि मैं बाय बर्थ ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और ऐसा धनंजय मुंडे है, और जनता से मैं एक ही अपील करूंगी, आज इधर उधर झुकड़ी सिंह चौपड़ पे जाके भाषण मार रहा है बड़े बड़े, जनता आपको जागरूक होने की जरूरत है, 2000 रुपए और 1 किलो के मांस के लोथड़े के लिए, 1 बोतल शराब के लिए अपने ईमान को मत बेचो, अपने बच्चों के भविष्य को मत बेचो, अपने राज्य के विकास को मत रोको, अरे आपसे आपको आपके ऊपर 5000 रुपए एक मतदान पे खर्च करके ये लोग 10-10 हजार करोड़ के मालिक बन जाते हैं, मैंने खुद ने 25 साल अपने घर में देखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि जागो, मतदान बहुत सोच समझ के करो, मैं तो बोलती हूँ धनंजय मुंडे को तो दूर की बात, ऐसे पक्ष को भी मतदान मत करो जैसे पक्ष में ये लोग हैं और जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो आप देखिए आज मैं हूँ कल को आपकी बच्ची होगी, ठीक है मैं तो आज 43 साल की हो गई हूँ, आज नहीं तो कल 15-20 साल और जिंदा रहूंगी मर जाऊंगी, बाकी इसके बाद आपकी जनरेशन का क्या, आपकी न्यू जनरेशन का क्या, आज जवान जवान बच्चे हैं ना उनको नौकरी मिल रही है ना छोकरी मिल रही है, सारी नौकरी का पैसा सारी छोकरियां ये लोग खा जाते हैं, तो बाकी किसको मिलेगा। करुणा शर्मा जी आपका डिमांड क्या है? मेरा नाम करुणा शर्मा नहीं है, मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, आई एम करुणा धनंजय मुंडे एंड आई हैव ऑल टू सॉल्व, सो हाउ कैन यू कॉल मी करुणा शर्मा। अपने मंत्रिमंडल में किसी महिला को स्थान नहीं दिया है तो मैं यही बोलूंगी जैसे आज ये महिला है ये भी इतनी प्रताड़ित है, मैं हूँ ऐसी 6 मंत्रियों की बीवियां मेरे पास है आज पाइपलाइन में जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रही है और जो मेरे साथ आना चाहती हैं, तो मैं शिंदे साहब जी से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि शिंदे साहब आप हम किसी भी प्रताड़ित महिलाएं जो हैं उनमें से किसी को भी आपके मंत्रिमंडल में सहयोग दीजिए और उनका नेतृत्व मैं करूंगी। करुणा जी अभी सत्ता महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है, अभी बीजेपी और शिंदे गठबंधन की शिवसेना की सत्ता आई है, एनसीपी की सत्ता नहीं, तो ये सरकार भी क्या आपकी नहीं सुन रही? नहीं सुन रही, अभी तक तो मैंने ये इतनी कंप्लेंट की, मैंने वही बोला ना इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जब मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखी थी तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद मेरे पास बाइक है, आप लोगों के पास भी बाइक होगी सब रिकॉर्ड रखा है आप लोगों के पास, देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद ने बोला है कि उस समय पे कि करुणा धनंजय मुंडे पे अभी जो रिवॉल्वर रखी है उसकी सीबीआई चौकसी हो, तो मैंने भी सीबीआई में कंप्लेंट दी है, ह्यूमन राइट्स में दी है, तो देवेंद्र फडणवीस जी अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको खुद आप गृह मंत्री है तो अब आप सीबीआई चौकसी लगाइए, और सिर्फ रिवॉल्वर की नहीं ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं इनकी भी सबकी सीबीआई चौकसी लगाइए, मेरी बहन ने जो कंप्लेंट की थी
उसकी भी सीबीआई चौकसी लगाई है कि वो कंप्लेंट होते हुए रिटर्न क्यों हो गई थी। मैं तो बोलती हूँ चौकसी लगाई है, मैंने उस समय भी ये कंप्लेंट दी थी कि मेरी बहन गलत है तो उसको सजाओ और पति गलत है तो उसको सजाओ। सीबीआई में मैं ये कंप्लेंट भी दे चुकी हूँ। अभी 6 महीने हो चुके हैं सरकार आगे, फिर भी आपकी कंप्लेंट क्यों नहीं सुन रही सरकार? अब ये तो देखिए, ये तो आप लोगों का काम, आपको क्या लगता है? सुनिए, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, नो कमेंट्स, क्योंकि ये आप लोगों का काम है, मैंने मेरा काम कर दिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का भी कोई औचित्य नहीं है, पर सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए लेती हूँ कि ये जो बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, आज कहीं ना कहीं आप लोग मेरी मदद करते हैं। मीडिया मेरी बातों को, मेरे पे हुए अत्याचारों को जनता तक पहुँचाती है, तो कम से कम ये घनेड़ा पुना 2024 में नहीं 100% तो 50% तो छटेगा, ये मेरा दावा है। मुझे मेरे शिव बाबा पे, मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है।